मेरा पर्स था पीछे का पॉकेट में, पिक पॉकेट होता मेरा पर्स गायब हो जाता आज। तगड़ा तगड़ा कंटेंट जो जो मैं कवर करने के लिए आया हूँ जगह, क्या तो नुकसान कर दिया यार। सो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम मोहम्मद है, आप देख रहे हैं चैनल एनएम व्लॉग। वेलकम टू द व्लॉग। आज है 5 दिसंबर 2022 और अभी फिलहाल बज रहे सुबह के 11:30 एंड मुझे आज बहुत काम करना है क्योंकि आज रात को मेरा ट्रेन है घर जाने के लिए। उससे पहले मेरे को 2-4 काम निपटाना है, तो उसके लिए सबसे पहले काम है मेरे को अभी पैकिंग करना है, जो सबसे बड़ा काम है एंड सबसे मुश्किल भी कह सकते हो आप। लेट्स गो, पहले पैकिंग कंप्लीट करते हैं एंड उसके बाद मैं आपको कहानी बताता हूँ क्या क्या होता है नहीं होता। लेट्स गो। आपको लगता है कि पैकिंग करना उतना बड़ा बात नहीं है, पैकिंग करना बड़ा बात नहीं है, लेकिन पैकिंग किस तरह से करना है, किस तरह से मैनेज करना है, वो बड़ा बात है। इन अ सेकेंड या फिर विद इन अ मिनट सब कह सकते हैं, ये सब कांड हो चुका है। फिलहाल मैं कन्फ्यूज हूँ, मैं ये ट्रॉली लेके जाऊँ या फिर ये बैग लेके जाऊँ। ये बैग बहुत ज़्यादा भरा है, लेकिन एक ही बात है, ट्रॉली लेके जाने से मेरे को खींच के लेके जा सकता हूँ, लेकिन इसको मेरे को पिक करके उठा के लेके जाना पड़ेगा। अभी पहला कन्फ्यूजन था कि मैं क्या क्या ड्रेस लेके जाऊँ, तो मैंने पूरा कबट खाली कर दिया, सब उतार दिया। मैंने सारा कपड़ा तो निकाल लिया, लेकिन अभी मेन बात है मैं इसको फिट कैसे कर रहा हूँ। थोड़ा एंगल नया लेते हैं एंड नया शॉट देखिए आप, अभी नया शॉट टाइम स्लैप में पैकिंग कर रहा हूँ मैं उसका। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये जो पैकिंग था ये कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मेरे को शूज़ भी लेना है। अभी जो है ये सब कपड़ा जो है इसको मेरे को इसमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। 3 पेयर शूज़ मेरे को, शूज़ भी लेना है। तो अभी सारा कपड़ा इस बैग में लोड करते हैं, कितना टाइम लगता है। अभी फिलहाल ऑलमोस्ट 12:49 हो चुका है। 1 hour later मेरे को पैकिंग करते करते इतना ज़्यादा भूख लग गया था एंड मैं उसके बाद सीधा आ गया खाना खाने। आज थोड़ा बाहर खाने का मन था इसीलिए बाहर आके खाना खा एंड अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ मैं दमदम एंड शायद से उधर में अमित भी मिलने वाला है, तो वहाँ पे मेरे को एक चीज़ लेना है। वो चीज़ मैं बहुत दिन से लेने का कोशिश कर रहा था, मतलब मैं स्टेशन जाने के बाद लोकल ट्रेन पकड़ के दमदम पहुँच रहा हूँ मेरे को। 1 hour later क्या है ना कि गाइस, मतलब मैं आया दमदम ना, दमदम आते आते मैं ऐसा था कि इंसिडेंट होते होते बचा। मेरा पर्स था पीछे का पॉकेट में, थोड़ा के लिए पिक पॉकेट होता मेरा पर्स गायब हो जाता आज का दिन, उसके लिए बच गया एंड अभी जो दूसरा सीन है 4 बजे यहाँ पे आते आते एंड यहाँ पे मेरे को चाहिए था एक सामान एंड वो सामान फिलहाल नहीं है, सब दुकान बंद है, अभी सब दुकान बंद है। बोल रहे हैं कि 5:30 के बाद खुलते हैं ये लोग, अगर सामान मिल जाए तो सही है, नहीं मिलने से मेरे को फिर वैसे जाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 hours later अभी फिलहाल 7:39 हो रहा है एंड मैं घर से निकल रहा हूँ, मेरा सब कुछ रेडी हो चुका है, ठीक है एंड फिनल बैग जा रहा है, इंडिया वाला बैग जा रहा है, बस ये दो बैग जा रहा है। लेट्स गो, चलते हैं डायरेक्ट सियालदह में जाके अपने मिलते हैं। फिर कोलकाता में बनाते रहेगा, राइट? आई थिंक चल सही है, फिर मिलता है अभी देखते हैं एंड अभी सीधा घर पहुँच से कॉल करना, आधार 5 मिनट में कॉल करते रहना, ज़्यादा से ठीक है चलते हैं, सही से जा रहा है, हाँ पहुँच से कॉल करना, ठीक है Day 2 तो अभी ऑलमोस्ट सुबह के 8:30 बज रहा है एंड फिलहाल हम लोग सिलीगुड़ी जंक्शन पहुंच चुके हैं। सिलीगुड़ी जंक्शन जस्ट एंटर किया, अभी यहाँ पे आधा घंटा जैसा वेट करेगा फिर निकलेगा इधर से। फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूं जयगांव एंड आगे पीछे आप देख सकते हो, सही फिलहाल अभी मैं घर जा रहा हूं एंड क्या है ना कि अभी जयगांव में आ चुका हूँ, जयगांव में बहुत सारा तगड़ा कंटेंट्स है जो मैं कवर करने के लिए आया हूँ जयगांव में एंड जिसमें बहुत मज़ा आने वाला है एंड बहुत यूनिक चीज़ है, बहुत एकदम स्पेशल वीडियो है। तो इस जयगांव सीरीज़ में भी बहुत तगड़ा मज़ा आएगा, मैं कुल कल दोनों ये भी नोवा
स्कूटी मिंडा गया बाहर। नोवा तो पूरा गंदा हो चुका है, अभी चेक करते एक महीने के बाद स्टार्ट होता है नहीं होता है। नोवा का चाबी है, ये स्कूटी का चाबी है, ठीक है। यहाँ पे लगा है, सही था, यहाँ पे लगा है, यहाँ लगाते लगाते टूट गया अंदर से, आधा चाबी अंदर में है, नहीं हो रहा जैसे कुछ, आते आते नुकसान कर दिया यार। 2000 years later. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड जो स्कूटी का चाबी टूटा था, कर दिया है मैंने नहीं, दुकान में रिपेयर करवाया था, रिपेयर हो चुका है। एंड अभी फिलहाल नोवा मेरा पास रहेगा, एंड बहुत मज़ा आने वाला ये जगह में, मैं बहुत तगड़ा वीडियोस के बारे में सोच के आया हूँ, एंड होपफुली वैसे ही चल जाए, फिंगर्स क्रॉस। एंड क्या कर रही हो यार तुम भी, चलो मिलते हैं आपसे ऐसे किसी नए वीडियो में, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, लिव अ लाइफ, लिव अ ड्रीम, बूम।